हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम स्पेस नेट एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में ये कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आई नो इसका 2 तारीख को इसका रिजल्ट भी निकल के आया था। रिजल्ट के दौरान शेयर काफी अच्छा मूव किया। पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी, 30 रुपए का शेयर है। शेयर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता ना लॉन्ग टर्म में। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो 25-30 रुपए की शेयर थी ना, अभी देखो 60-70 रुपए 200 के अराउंड ट्रेड हुए, बिकॉज ऑफ उसमें ना वो बात थी। वैसे ये कंपनी में भी वो बात है कि ये कंपनी आगे जाके हमको उतना रिटर्न दे सकती है। चलिए कंपनीज के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी में हम क्या डिस्कस करने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कंपनीज के हम प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब करते हैं, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस नेट एंटरप्राइज कंपनी की बात करेंगे ना। सो कंपनी यहाँ पे क्या 28 मई 2010 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी, एंड ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी जो है रजिस्टर्ड विद ROC हैदराबाद से। ओके, बाकी यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल देखने जाओगे सो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में। स्पेसनेट जो कंपनी है ट्रेडिंग का काम करती है, कमोडिटीज का एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड हुई सर्विसेज को अपने। इफ अगर आप कंपनी के प्रोफाइल अगर आपको देखना रहेगा इसकी वेबसाइट पे जाओगे डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना मीन्स कंपनी के पे जो कि आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको दिख रहा था, मैंने आपको दिखाया था कि शिप के थ्रू जो भी कमोडिटीज होती है जो कि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंशन किए गए हैं, जैसे कि आम हो गए, संतरे हो गए या फिर अदर्स जो प्रोडक्ट होते फ्रूट्स होते, सो उनको कंपनी क्या है एक्सपोर्ट करती अदर कंट्रीज में, अपने इंडिया बाहर अलग अलग जगहों पे। सो कंपनी यहाँ पे कमोडिटीज लाइक इम्पोर्ट करती एक्सपोर्ट करती है। सो ये काइंड ऑफ कंपनी का ये क्या ये प्रोफाइल है। बाकी शेयर तो कंपनी का अच्छा खासा, इवन कंपनी का करंट प्राइस देखोगे सर 30 रुपीज के आसपास जो शेयर ट्रेड हो रहा है। इफ अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखने जाओगे तो मार्केट कैप कंपनी का कितने का दिया, 1676 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। टोटल एसेट कंपनी का कितना है, 126 करोड़ का, जो कि ऑलरेडी हमें यह मेंशन किया गया है। एंड स्टॉक भी कंपनी का 159 है, वही इंडस्ट्री भी 38 है। इट मीन्स क्या स्टॉक अभी देखो तो ओवर वैल्यूड जोन में एक्चुअली क्या ट्रेड हो, जो कि 30 रुपए के आसपास शेयर है इसका। एंड ROCE कितना 14.4%, ROE कितना 14.6% दिया हुआ है। कंपनी का डेप बहुत ही कम है, 0.89 करोड़ का, मीन्स ऑलमोस्ट 89 लाख का कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या डेप्ट है। लास्ट 3 मंथ्स में रिटर्न अच्छा खासा कंपनी ने दिया, 1.40% का। बुक वाली 1.91 रुपीज से वर्किंग कैपिटल 45.6 करोड़ का कंपनी का दिया। कंपनीज के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक गिरवी मीन्स क्या प्लेस पे नहीं दिया हुआ है, जो कि मेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस कंपनी का 0.90 रुपीज है, जो कि थोड़ा बहुत कम है, बट ईपीएस जैसा शेयर है वैसे तो ईपीएस देगा ना, सो नॉर्मल सी बात है। सो ईपीएस देखो तो ठीक ठाक है कंपनी का। कंपनी का हाई है 39.4, लो है 16.5, सो डेफिनेटली वापस से जो शेयर है 40 रुपए तक जा सकता है। एंड अगर 10 रुपए भी अच्छी खासी क्वांटिटी अगर आपके पास रहेगा, 1000-2000 10 रुपए ही मिला तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक हो सकता है। कंपनी अभी देखो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, फेस वाली 1 रुपीज से। प्रमोटिंग होल्डिंग 15.9% कंपनी का दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखो तो बहुत ही कम है कंपनी एक्चुअली, यहाँ पे देखोगे तो ये कंपनी एक्चुअली डेटा है। नेक्स्ट भी कंपनी पीए कमीशन की बात करेंगे ना, स्पेसनेट एंटरप्राइज जो कंपनी लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप कम है एंड स्मॉल कैप कंपनी, इवन अदर भी कंपनी दी हुई है जो कि सेम सेक्टर में अदर भी कंपनीज क्या काम यहाँ पे क्या करती हैं। बाकी कंपनीज के डिविडेंड अगर आप देखने जाओगे सो जैसे कि रेडिंगटन है, ये कंपनी में आप पैसा डाल सो 3% का डिविडेंड प्रोवाइड करी, शेयर भी अच्छा 202 के आसपास ट्रेड भी हो रहा है। एंड एजिस लॉजिस्टिक ये भी कंपनी है जिसमें भी पैसा डाल सकते हो। एंड PDS एंड ये सारी जो कंपनी जिनका मैं नाम नहीं लिया हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस आपको लेना रहेगा तो आप ले सकते हो। शेयर अच्छा खासा रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे खासा निकल के आए थे, तो डेफिनेटली आप इसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल सकते हो। बाकी सेलो वर्ल्ड हो गया, जैसे कि MMTC हो गया, सो ये जो 3-4 कंपनी इनका एक्चुअली मैंने देखा नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इन पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बता दूंगी कि आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बाकी आप खुद का एनालिसिस भी आप इसमें क्या आप लगा सकते हो। बाकी स्पेसनेट एंटरप्राइजेस कंपनी का देखेंगे सो रिजल्ट तो कंपनी के अच्छा खासा निकल के अगर कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से। सो चलिए रिजल्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अभी हम सेल्स कंपनी का देखोगे ना सो पिछले क्वार्टर में कंपनी का 47.72 का सेल्स था, कम होकर 34.44 का कंपनी का सेल्स हो गया। सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के यहाँ पे क्या कम हुए हैं। एक्सपेंसेस अगर आप देखो तो 45.97 था, जो कि एक्सपेंस 31.19 हो गया। सो एक्सपेंसेस भी कंपनी के क्वार्टर में क्या कम किए गए हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा चुका था। पहले 1.75 रुपीज था जो कि सॉरी क्रोर्स में था, जो कि बढ़कर 3.25 करोड़ हो गए। सो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा मीन्स कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें जो कि 1.69 करोड़ था जो कि बढ़कर 2.57 करोड़ हो गया। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया लास्ट क्वार्टर से। तो डेफिनेटली 40 रुपए तो शेयर जाएगा ही जाएगा। 2 तारीख को जैसे ही इसका रिजल्ट निकल के आया, अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाओगे ना, 15 मिनट का एक कैंडल खा लिया, अब देखना कितना उप गया था। उस टाइम पे जिसने भी इसमें ट्रेड मारा, अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में जिसने भी ट्रेड मारा अगर रहेगा ना, अच्छा खासा उसका क्या प्रॉफिट बुक हुआ रहेगा, बिकॉज शेयर ने काफी अच्छा लाइक रिटर्न यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपनीज के हम ईयरली बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सेल्स कंपनी का देखोगे सबसे ज्यादा सेल्स क्या मार्च 2023 में था 145 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2024 में 128 करोड़ का हुआ है। नेक्स्ट पे कंपनी के एक्सपेंस की बात करेंगे ना, सो एक्सपेंस भी अगर आप देखोगे तो 2023 में कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस था 142, उसके बाद 117 करोड़ का 2024 में कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे क्या हुआ है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में सॉरी पिछले ईयर्स में 3 करोड़ था जो कि बढ़कर 11 करोड़ हो गया। सो कंपनीज के नंबर्स ऑफ लाइक देखो एक्सपेंसेस कम हुआ है पिछले ईयर से, बट कंपनी का ईयरली वाइज इफ अगर आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे तो काफी अच्छा बढ़ा है। ऑलमोस्ट बोल सकते 809 करोड़ यहाँ पे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वही कंपनी का अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात भी करोगे ना, तो वो पिछले कई सालों में एंड कई इयर्स में क्वार्टर्स में कंपनी को लॉसेस भी हुआ है, कंपनी लॉस में भी थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे 2024 में कंपनी ने अच्छा खासा लाइक प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल में 3 करोड़ प्रॉफिट में थी, अभी 11 करोड़ में आ गई। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये स्टॉक होल्डिंग करोगे, ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिजल्ट अच्छे क्वार्टरली वाइज ईयरली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड प्रोफाइल बहुत बढ़िया कंपनी का। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे कंपनी से क्या फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड से आपको पता लगेगा 23-24 में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करी, सो आने वाले जो 2025 रहेगा उसमें भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ क्या करेगी ही करेगी। नेक्स्ट वे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखो तो यहाँ पे कम दिया हुआ है प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग का, क्योंकि यहाँ पे आता ज्यादा तो क्या है पब्लिक का शेयर होल्डिंग से, पब्लिक शेयरिंग बहुत ही ज्यादा 84.30%। बहुत से रिटेलर्स हैं जो कि ऐसे स्टॉक खरीद के रखते हैं बिकॉज स्टॉक वैसा है ना, देखो कम प्राइस में मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथिंग भी 2 साल में कंपनी ने अच्छा खासा किया हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो शेयर है काफी बढ़िया शेयर है एंड आई थिंक सब बोल सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे डीआई शेयर होल्डिंग 0% है, बाकी पब्लिक एंड प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या एक्जैक्टली का दिया हुआ है। नेक्स्ट वही स्पेस नेट एंटरप्राइजेस की टारगेट्स की बात करेंगे। चार्ट ही आप देख लो, चार्ट भी कितना अच्छा मूव कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे ना, सो लास्ट फ्राइडे का एक्चुअली ये है, लास्ट फ्राइडे स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे क्या किया था। ऑलमोस्ट बोलोगे ना स्टॉक का देखो 30.52 रुपीज के आसपास क्लोजिंग हुआ। शेयर अगर आपको बाइंग करना रहेगा 31.41 पे बाइंग कीजिएगा, टारगेट 36.40 का रखेगा, सपोर्ट आपको लेके चलना 26.64 का। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक किया समझ जाना कि 22 रुपए तक गिरेगा, देन वापस रिकवर करेगा, बिकॉज बहुत बार शेयर गिरा है रिकवर किया है। आई थिंक जो अभी क्या है जिस तरीके से मूव आया है ना, ये अपसाइड जाएगा, ऐसा हो भी सकता है बिकॉज इतना बड़ा लंबा जब भी कैंडल बनता है सेकंड डे स्टॉक नीचे गिरता है, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है मंडे के दिन, बट ये टारगेट जो हिट करेगा ही करेगा, तो हो सके तो इसमें आप पैसा जरूर लगाइएगा। सो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड बाकी किसी भी कंपनी पर अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए रहेगा, फिर आपको कुछ सजेशन चाहिए रहेगा किसी स्टॉक्स पे भी, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं तो रिप्लाई करती हूँ। अगर नहीं भी आया तो आपको 1 वीक के अंदर रिप्लाई आपको आ ही जाएगा। सो ये था कंपनी का क्या है फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।